आज इनके सामने गाने का मौका मिल रहा है मुझे। ये मेरा सौभाग्य है कि जिनके गाने सुन के मैं कभी सुना करता था, उसके बाद गाने का स्टार्ट किया। आप इतने महान हैं कि शायद आपको पता नहीं, कितने सारे लोगों को घर बैठा दिया आपको पता नहीं। मैं नहीं आया होता तो सब लोग घर में बैठे रहे। आपकी क्वालिटी आप जब रखते थे ना, इस धरती ने ऐसे कलाकार को पैदा किया है। देखिए लोग बोले ना, हम हैं छुछुनर टाइप के, हम बोल बोले। जिस आदमी का नाम कल्लू है, अरविंद अकेला कल्लू, मैं इनको बाबा बोलता हूँ। जो सच्चाई है इंसान को बोलना चाहिए। ये जब बज रहे थे ना, तो चाहे वो पवन भैया हो, चाहे खेसारी का तो कोई अस्तित्व नहीं था, वो समय था हमारा मनो अस्तित्व ना रहो, ब्राह्मण लिट्टी बेचता था। मैंने देखा है कि ये जब बज रहे थे तब कोई जितने भी आते थे सब घर पर बैठे थे। इस आदमी का कांडो मैंने देखा है, इसलिए आपको प्यार करता हूं। आई लव यू। हेलो, इस प्यार को क्या नाम दूं? यामाहा। हम जाता ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सबके पापा आ गए इधर। देखिए हम सबके बाप, हमारे अंकुश राजा जी, जो कि हम लोगों के बड़े संस्कारी। साजा जी, आपको दिल से एक बार और प्रणाम कि आपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार इतना दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं बहुत प्यार करता हूं। अनमोल भाई, ये आर्टिस्ट कितने अच्छे, उससे मुझे लेना देना नहीं, क्योंकि मार्केट में है तो मेरे दुश्मन है। मार्केट में मैं भी हूं तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि अंकुश राजा बजे, चाहे कल्लू जी बजे, चाहे टुनटुन बजे, चाहे रंजीत सिंह बजे, या हमारा भाई है मोनू अलबेला बजे। मार्केट की बात अलग विषय हो, बट आप इसलिए उन दोनों के संस्कार से मुझे बहुत लगाव। एक मैं चाहूं कि अंकुश राजा के लिए जोरदार ताली बजाएं प्लीज, इन दोनों भाइयों के संस्कार के लिए कि इन्होंने इंसान की देखिए पहचान ठीक है होती है, गायकी से होती है, पर्सनालिटी से होती है, लेकिन मैं पर्सनली इन दोनों भाइयों को मैं संस्कार के नाम से जानता हूं। और मैं जिससे भी मिलता हूं बोलता हूं कि संस्कार के मामले में आप लोग कि जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरो गणर, एक दंत करि वर बदना, सिद्धि करो कि
बाल तोहारे करे झपा झपा कि मां के ज्योति से नूर मिलता है सब व्यक्ति हो सुरूर मिलता है कि मां के दरबार में जो चाहे खाली उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है आइए एक भजन गाएं ऐसे हमारा लिखा लगा के भजन का माहौल बनाए 22 तारीख के राम जी होले ओकरा बाद राम के चर्चे बंद हो गए खाली 22 तारीख तक ले आई रहले फिर निकल गईले अब पता ना का कहल जाए बट कोई बात नहीं हमारे मन में भगवान है हमारे मन में राम है हम उन्हें आजीवन पूजते हैं भगवान अयोध्या में 22 को ही नहीं मुझे लगता है कि धरती जब से उत्पन्न हुई है तब से हमारे दिल और हमारे दिमाग में भगवान बसे हुए हैं कि वो वाला लाला थी सब है छुटल बाबा सेवैया होता मेरा संजय लोकेश बाबा कहाँ हैं लोकेश बाबा को बुला लो और भैया को बुला लो चलिए बैठा दीजिए बबली भैया को बैठाइए ना कहीं अरे की उतर ना रात सब है छुटल भाभा सेवा भैया हो कि नवमी नदी या चढ़ लोग जागेला थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे हमारे अपने ही सब तो इन भाइयों को प्रॉब्लम नहीं होगी नहीं तो उसी की वजह से हल्ला होगा और प्रोग्राम खराब हो जाएगा बबली भैया को बैठने दीजिए थोड़ा सा लोग पीछे हो जाए थोड़ा सा पीछे हो जाए सब लोग अपने हैं किसी को हम बोल नहीं सकते इसलिए कह रहा हूं किसी को प्रॉब्लम ना हो हम किसी के शादी में आए हैं उसका शादी बनाने के लिए और उसमें भी बहन की शादी है कि नवमी नदी या जाने लोग जागे और उसमें भी ऐसे आदमी के बहन की शादी में जिनके जीवन में विवाद कभी हटा ही नहीं शुरुआत
कि जन्म रहलहि लखनऊआ कि गोरी तोरी चुनरी बझलुआ कि जन्म रहलहि लखनऊआ। वहां से शुरू हुए ये, उसके बाद ऐसे आदमी के रुकने का नाम ही नहीं लिए। उसके बाद ये डिस्टर्ब तो हुए, मुझे भी कम डिस्टर्ब नहीं किए, ये अपने साथ साथ लेकर चले। ऐसा ऐसा संगतिया मेरे जीवन में आज तक कोई नहीं है। ऐसा जिस का साथी, विवाद का साथी, सुख का साथी, दुख का साथी, एक ही जगह साथ नहीं रहते जहां आप गलत काम करते हैं। कि नवमी नदी जा जाने ले जागे माइके लागल बावे, माइके लागल बावे ने मिया पछू लागल बम हवा जुरु कि देख चटैया बिछवल नानी कुसी के भजन गावे खातिर बोलनी राजा कुसी के कि रखल थे जान बानी मैया के पलू के आ पूजा करे खातिर हम बोलवल बानी पलू के। रंजीत जहिले माई के भजन गाए सोना से आई बढ़िया लखसगरला कि दरबार से सके गुण भागेला आप लोग थोड़ा सा साइड हो जाइए। एक बहुत बहुत प्यारी आर्टिस्ट, बहुत प्यारी गायिका हमारी बहन शिल्पी राज आई हुई है, तो प्लीज उस बेचारी को आने दीजिए। थोड़ा सा साइड हो जाएंगे तो भी आ जाएंगे, तो थोड़ा सा साइड हो जाइए ताकि वो आ जाए मंच पर, क्योंकि एक ऐसा मंच है कि ये गढ़ा बहुत से कम नहीं है। ये गढ़ा बहुत से कम नहीं है। आज का दिन जो है ये हम सबके लिए गढ़ा महोत्सव की तरह, इतने सारे आर्टिस्ट एक साथ एक मंच पे बहुत कम आते हैं। जैसे कि हमारे गोपाल भैया ऐसा कारनामा कर पाते हैं क्योंकि उनका सम्मान हर आदमी करता है। अगर हम उनके गढ़ा महोत्सव में नहीं आ पाते तो टाइम की वजह से हमारे पास वक्त नहीं होता, लेकिन वक्त होता है तो हम कोशिश करते हैं कि वैसे फंक्शन का हम हिस्सा बने। तो ये गढ़ा महोत्सव की तरह कार्यक्रम है और हमारे बहन के साथ साथ तो हम आज गाने के लिए नहीं बल्कि आप लोगों से मोहब्बत करने के लिए आए हैं। और मुझे लग रहा है कि कोई कलाकार यहाँ गाने के लिए नहीं, प्रोग्राम का पैसा लेकर नहीं आया है, कुछ कुछ अंदाज देख देख रहे हैं।
नहीं मैं बोल दिया लोगों से कि कोई कार्यक्रम जो यहाँ हो रहा है यहाँ कोई आया है तो पैसा लेकर नहीं आया है, देकर प्यार मोहब्बत सम्मान ये पैसे से ऊपर है बाबा, आप नहीं समझ पाएंगे, आपके बस की बात की बात कि बाबा जब ले समय के और लबा चले कि माई खातिर खेसरिया जागेला माई के लागल बारे माई के लागल बारे माई के लागल बारे नहीं अब झुरु 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 झ